भारत रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने सोमवार को यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एक लोगो व प्रशासन के ड्रीम प्रोजेक्ट रेड क्रॉस ब्लॉक बैंक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल कल्याण अनुभाग रेड क्रॉस हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी उपस्थित रही। डॉक्टर साधना ठाकुर को स्वास्थ्य निदेशक द्वारा शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यहां ब्लड बैंक की अति आवश्यकता थी, जो सभी के प्रयासों से आज पूर्ण किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार जो इस दिशा में कार्य कर रही है, उसके लिए हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर साधना के प्रयासों से बहुत कार्य किया जा रहा है, जिसमें नालागढ़ का यह ब्लड बैंक का शुभारंभ भी संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि आज इसका विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बद्दी वगैरह यहाँ के जो, उन्होंने यहाँ सब इक्विपमेंट्स हमको डोनेट कर दिए हैं बहुत सारे, और उनकी इस माध्यम से हम इसको कर सकें ऐसा मुझे लगता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स हैं, और उसमें हमारी प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर साधना ठाकुर हमेशा जाती हैं। इन सब के प्रयासों से ये सब ब्लड बैंक आज हम यहाँ देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत आवश्यकता थी यहाँ, और इस आवश्यकता को आज हम पूर्ति कर रहे हैं सबके प्रयासों से। मुझे लगता है यहाँ के केवल सामान्य लोगों को भी नहीं, परंतु बद्दी में जो अपने लेबर क्लास मजदूर वर्ग जो है वगैरह, उनको भी इसकी ज़रूरत मुझे लगता है जब महसूस होगी तब उसकी हम पूर्ति कर सकेंगे। रेड क्रॉस बहुत सारे काम कर रहा है। रेड क्रॉस के माध्यम से यहाँ की सुविधाएं जो हैं स्वास्थ्य की, उसको और बेहतरीन करने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। यहाँ की सरकार इसमें बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन उसको एक सपोर्टिव रोल हमारा रहेगा आने वाले समय में भी, ऐसा मुझे लगता है। आपका फैसला के लिए नालागढ़ से सलीम कुरैशी की रिपोर्ट।